हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। यार मेरे को ये समझ नहीं आती, मतलब मैं जब व्लॉग अपलोड कर देता हूँ उसके बाद वो वीडियो ही नहीं सही होती, मतलब थोड़ी टेढ़ी कर पर खैर हो गया जो हो गया, लेकिन आपको वीडियो देते रहना है और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और आज हम जा रहे हैं अपना पासपोर्ट बनवाने, क्यों? क्योंकि वो मेरे ख्याल से अगले ये अक्टूबर या नवंबर में मेरे ख्याल से शायद पापा चले जाएँ बाहर, जैसे दुबई वगैरह ट्रिप मारना है, तो मेरा भी सीन बन जाएगा बाहर जाने का। इसलिए पहले ही पासवर्ड वगैरह रेडी, सब डॉक्यूमेंट्स कर लें, आगे हमें टेंशन ना हो। तो अभी मेरे ख्याल से 10:20 तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि मेरे ख्याल से अमामी मरकज़ जाना है तारिक रोड पे, तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या सीन। अगर वीडियो वगैरह नहीं सही बनाने थी उन्होंने या उधर कोई हो गया तो मैं सोनू को कह दूंगा कि वैसे ही छोटा सा क्लिप बना लेगा इंटरव्यू का जो भी होगा। तो चलते हैं अभी वहाँ पर। भाई गली से बाहर निकले रामी टूट गया अभी बाइक में, उसका जम लगाया और टायर वगैरह फिक्स करते हैं, चलते हैं चलते हैं जल्दी से अपने जहाँ हम काम पे जा रहे हैं। इसलिए हम काम जा रहे हैं सुबह सुबह, ये जो हम देख रहे हैं तो चलते हैं फिर अपने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रम पूरी गाड़ी का टूट गया था, ये भी बैठा हुआ बाइक या फिर रूसी, तो ड्रम पूरी गाड़ी का टूट गया था, जब इधर चेंज हो जाए फिर चलते हैं हम लोग या फटाफट से जहाँ भी हम पासपोर्ट वगैरह बनवाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं फिर आपको उधर जाके। तो भाई अभी मतलब आए हुए थे इधर बाहर, मतलब जहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बनवाना था, मैं आपको रश दिखाता हूँ। और रश काफ़ी है जो कि इसकी वजह से हम लोग अंदर ही बैठे हैं, अभी देर लगेगी थोड़ी और वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अंदर गया था बनाने के लिए, वो इतराज़ कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना सकते, मैं चलो ठीक है कोई मसला नहीं। तो लेकिन जब पासपोर्ट लेने आएंगे वह मैं आपको दिखाऊंगा कि पासपोर्ट हमारा बन गया है, तो अब तक के लिए थोड़ा स्टे करते हैं, मतलब थोड़ा रुकते हैं, फिर आगे देखेंगे कहाँ जाना है क्या नहीं, या देखते हैं आगे का क्या सिलसिले का रही है, क्या सीन होता है। 3 hours later भाई वेट करते करते लग गए और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, अपना सारा नाश्ता आ गया। नाश्ता करने के बाद देखते हैं और वेट करना है या फिर क्या करना है, अभी तो वेट ही करना पड़ेगा और कर लेंगे फिर नाश्ता। A few moments later तो भाई अभी हट मेरे को जान दे, चलिए चलिए। हेलो गाइस, तो आ गए नाश्ता वगैरह करके, अभी हम देर लगेगी अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्योंकि पापा कह रहे शायद अगर इधर नहीं हुआ क्या है, अगर इधर नहीं हुआ तो फिर हमें जाए मलीर वाले जहाँ पे पासवर्ड वगैरह बनते हैं वहाँ जाना पड़े। और सीन ऐसा हुआ है कि मेरे को लग रहा था सिर्फ मेरे अकेले का बनेगा ना, तो इधर तो मतलब पूरी फैमिली का पापा बनवा रहे हैं, क्योंकि पापा का तो पहले ही बना हुआ है, और लेकिन हनूक सोनू और मेरा हम सबका फिर बनेगा। और देखते हैं भी कहाँ जाना है क्या सीन बनता है, मलीर जाना पड़ेगा या फिर यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ तो मेरे को लग रहा है बहुत देर लगेगी और 12 बजने वाले हैं अभी, तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो भाई अभी सारा पासवर्ड वगैरह का जो था काम वो हो गया और फैमिली FRC भी बन गई है हम सबकी, चारों बहन भाइयों की और मामा की, पापा का पहले ही सुना वो पासपोर्ट बना हुआ था, सारों का हो गया। डेट आई है 15 अगस्त और FRC भी होगी, हाँ वही डेट आई है 15 अगस्त, जाना है हमने अपना पासपोर्ट लेने। और अभी चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या सीन है आगे का, घर पे चलते हैं।
भाई अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे और आपके सामने ही सारा काम हो गया जो भी था पासपोर्ट का, और उन्होंने डेट दी है 15 अगस्त सबकी, मेरा, हनुक का, सोनू का, मीरब का और मामा का, पापा का तो पहले ही बना हुआ था तो उसकी डेट आ गई, वो भी लेने जाएंगे। और बकाया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मैंने अपना व्लॉग फिर देखा, पहले मैंने देखा कि वीडियो यूं टेढ़ी चल रही है ना, वो भी समझ से बाहर था, फिर उसके बाद मैंने देखा कि वीडियो छोटी हो गई मेरे ख्याल से, वो भी मेरे को समझ ही नहीं आ रही। मेरे 3 व्लॉग्स में ऐसा सीन हो चुका है मेरे साथ, अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरे को कोई आप लोग ऐप सजेस्ट करो जिससे मैं अच्छी व्लॉगिंग की एडिटिंग भी कर सकूँ और ये मसला भी ना हो। तो समझ से बाहर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ कैप कट से एडिटिंग, और उसमें अगर मैं रोटेट का ऑप्शन लगाता हूँ ना तो वीडियो छोटी हो जाती है, मतलब घूमती तो सही है, छोटी हो जाती है, फिर उसमें भी सही, आपको पता है व्यू नहीं आता, एंगल नहीं सही होता, तो मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। तो बकाया इस वीडियो को करेंगे, इस व्लॉग को करेंगे हम यहाँ पे एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे जो नए चैनल पे जो नए व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को, बेल को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।